नीमच जिला ऑटोमोबाइल और ट्रैक्टर डीलर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया और आरटीओ विभाग में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की गई। नीमच जिला ऑटोमोबाइल और ट्रैक्टर डीलर एसोसिएशन ने परिवहन कार्यालय में वाहनों के पंजीयन में अवैध राशि की मांग करने व कार्यों को समय पर नहीं करने के आरोप लगाकर सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में नायब तहसीलदार पिंकी साठे को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि नीमच जिले में आरटीओ विभाग में सभी प्रकार के नवीन वाहनों के रजिस्ट्रेशन में भारी रुपए की मांग की जा रही है। बताया गया कि संपूर्ण भारत में नवीन वाहन बिना किसी भौतिक सत्यापन वेरिफिकेशन के डीलर की जवाबदारी पर रजिस्टर्ड किए जाते हैं, जबकि नीमच में वाहन के रजिस्ट्रेशन में सत्यापन के नाम पर मोटी रकम भ्रष्टाचार के रूप में मांगी जा रही है। वाहन डीलर के ट्रेड सर्टिफिकेट बनवाने में व नवीनीकरण करवाने में भी भारी रुपए की राशि की मांग की जाती है। आरटीओ कार्यालय में अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिन कारणों से हमारे प्रतिनिधियों ने आरटीओ कार्यालय में जाना बंद कर दिया है, जिससे नवीन रजिस्ट्रेशन की फाइलें पेंडिंग पड़ी है, जिससे आम जनता परेशान हो रही है और आम जनता द्वारा हमारे डीलरों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। नीमच जिला ऑटोमोबाइल और ट्रैक्टर डीलर एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की है। ये नीमच में जो आरटीओ ऋतु जी अग्रवाल आई है ना, जब से आई है तो वो क्या हमारा जो प्रतिनिधि है, क्योंकि हमारा कार्य सारे प्रतिनिधि करते हैं, बिना प्रतिनिधि कोई काम चलता नहीं है आरटीओ में। तो जब प्रतिनिधि वहाँ जाते तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो हमारे प्रतिनिधियों ने काम बंद कर दिया। उनने काम बंद कर दिया तो हमारे जितने भी रजिस्ट्रेशन कार्ड है, जो रजिस्ट्रेशन होना है व्हीकल, वो सारे भी बंद पड़े हुए। उससे जो उपभोक्ता है, जो हमसे गाड़ियाँ ले गए, ट्रैक्टर ले गए, कार ले गए, तो वो हमें आकर के परेशान कर रहे हैं और हमारे साथ गाली गलौज कर रहे हैं, क्यों उनका रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पा रहा है, रास्ते में पुलिस वाले पकड़ रहे हैं गाड़ियाँ। तो ये है क्या, जो अवैध तरीके से जो फीस है, उसके फीस के अलावा वो आरटीओ द्वारा अवैधानिक पैसा मांगा जा रहा है, जो वो देना संभव नहीं है।